वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस अ सूटेबल बॉय। ये सीरीज बेस्ड है इसी नाम के नोवेल पर। विक्रम सेठ के 1993 में छपे इस नोवेल ने 1951 के हिंदुस्तान को चित्रित किया था। उस समय का हिंदुस्तान कैसा था, लोग कैसे थे, ये जानने की हमारी उत्सुकता रहती है क्योंकि तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। पर हाँ, इस सीरीज के जरिए हम तब के खूबसूरत हिंदुस्तान को देख सकते हैं। तब की शादियाँ कैसे होती थीं, कैसे लता अपने लिए अमित, कबीर और हरीश में से हम सफर चुनने में कठिनाइयों का सामना करती है, इसे भी बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। बनारस और पटना के बीच बसा ब्रह्मपुर शहर से ये कहानी शुरू होती है और इस कहानी के जरिए हम कलकत्ता, दिल्ली और लखनऊ भी घूमेंगे। तो चलते हैं कहानी पर। कहानी दरअसल लता के फैमिली से शुरू होती है। लता अपनी बहनों में सबसे छोटी है, 19 साल की है, कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। उसकी माँ रूपा उसके लिए लड़का तलाश कर रही है ताकि उसका घर भी बस जाए। यहाँ से थोड़ी दूरी पर रहता है कपूर परिवार। लता की दोस्ती है मान कपूर से। महेश कपूर यहाँ के मंत्रिमंडल में मिनिस्टर हैं। वो जमींदारी सिस्टम को हटाना चाहते हैं। वो एक नया भारत बनाना चाहते हैं जो कि सेकुलर भारत होगा, जहाँ हिंदू मुसलमान जैसी कोई दीवार नहीं होगी और ना ही कोई जमींदारी प्रथा होगी। हर किसी के पास अपनी ज़मीन होगी और हर कोई अपनी ज़मीन पर खेती कर सकेगा। पर इन दोनों हिंदू मुस्लिम इशू कुछ ज़्यादा ही उफान पर है। महेश कपूर को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है समाज के उच्च वर्ग से, क्योंकि जमींदारी सिस्टम इस वर्ग के खिलाफ है। उनका एक और मिनिस्टर दोस्त है नवाब। नवाब साहब का भी अच्छा खासा रुतबा है यहाँ। नवाब साहब का बेटा है फिरोज़, और फिरोज़ और मान की बड़ी अच्छी बनती है। दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। इनकी दोस्ती में एक एंगल हिंदू मुसलमान वाला भी है। इन दोनों की दोस्ती एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाली है आगे चलकर। मान के लिए महेश कपूर ने बनारस में एक लड़की देखी है, पर अभी बात ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाई है। एक दिन वो सईदा बेगम के कोठे पर चला गया, उनका गाना सुना और सईदा की खूबसूरती देखकर वो इतना आकर्षित हुआ कि अब वो रोज़ यहाँ चला आता है। वो अपनी और सईदा की उम्र के बीच के डिफरेंस को भी भूल गया है। इस तरह सईदा ने भी मान से बातचीत करनी शुरू कर दी। वैसे तो उसके कई मर्दों से संबंध बने हैं, पर किसी से प्यार नहीं मिला। अब वो प्यार उसे मान से मिल रहा है, इसलिए वो अपने आप को मान के आकर्षण में रोक नहीं पाई और इस तरह इन दोनों का रिश्ता धीरे धीरे चल पड़ा है। मान अक्सर यहाँ आ जाता है, सईदा के साथ समय व्यतीत करता है और फिर चला जाता है। एक दिन सईदा ने मान से कहा, तुम चाहो तो उर्दू भी सीख सकते हो। इस पर मान ने हाँ कर दी और इस तरह सईदा ने रशीद को मान का ट्यूटर अपॉइंट किया उर्दू सिखाने के लिए। अब मान यहाँ रोज़ आया करता है। पहले तो वो रशीद से उर्दू सीखता है और उसके बाद सईदा के साथ टाइम स्पेंड करता है। इधर एक दिन लता की मुलाकात हुई कबीर से। उस समय लता को कबीर का सरनेम नहीं पता था, इसलिए उसने उससे मिलना जारी रखा। कई मुलाकातों के बाद कबीर ने लता से कहा, क्यों ना हम बरसात महल चलें आज की रात। लता ने कहा, मैं रात को घर से बाहर नहीं निकल सकती। इस पर कबीर ने कहा, अगर रात को नहीं निकल सकती तो क्यों ना हम सुबह सुबह चलें। ये आइडिया लता को भी पसंद आया और इस तरह अगली सुबह दोनों बरसात महल पहुँचे। यहाँ दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया। अब दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया है और दोनों के दरमियान प्यार ने दस्तक दे दी है। पर जब लता को कबीर का टाइटल पता चला तब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कबीर का सरनेम है दुर्रानी, इसका मतलब वो मुसलमान है। हालांकि लता को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसकी फैमिली इस बात को कभी कबूल नहीं करेगी, इसलिए लता इस समय बड़ी कंफ्यूज है कि वो क्या करे। इस दौरान हिंदू मुसलमान के दंगे होते रहते हैं। ऐसे में अगर ये खबर बाहर आ गई कि उसका किसी मुस्लिम लड़के से संबंध है तो क्या होगा। ये वो दौर है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हाल ही में बंटवारा हुआ है। ऐसे में आए दिन हिंदू मुसलमान में दंगे होते रहते हैं। अब लता समझ चुकी है कि ये रिश्ता अब चल नहीं पाएगा। उसने ये सारी बातें कबीर से कही। कबीर ने कहा, मेरी फैमिली को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लता बहुत डिस्टर्ब्ड है, वो कबीर से बहुत प्यार करती है। एक दिन उसने ये सारी बातें अपनी बड़ी बहन सविता से शेयर कर दी। सविता ने कहा, डरो मत, मैं अपने परिवार में किसी से नहीं बताऊंगी, पर ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद लता ने इस पर फैसला ले लिया है कि वो क्या करना चाहती है। उसने फैसला किया है कि वो कबीर के साथ भाग जाएगी। उसने ये सारी बातें कबीर से शेयर की और कहा, क्यों ना हम दोनों यहाँ से कहीं भाग चलें, इस तरह हमें अपना प्यार मुकम्मल हो जाएगा। कबीर उस समय तो कुछ नहीं कह पाया, पर घर जाके उसके विचार बदल गए। कबीर एक एम्बिशियस क्रिकेटर है, वो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहता है। ऐसे में अगर वो लता के साथ भाग जाता है तो उसके करियर का क्या होगा। इसलिए कुछ दिनों बाद उसने लता को एक खत लिखा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम्हारे साथ भागना एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि मैं नहीं ले सकता, मुझे माफ़ कर दो। जब लता ने यह खत पढ़ा तो उसका दिल बहुत दुखा, पर अब उसने फैसला कर लिया है कि वो कबीर को भुला देगी। इस बात को अब कुछ दिन गुजर चुके हैं। उसकी एक और बहन मीनाक्षी ने अपने देवर अमित के लिए लता को पसंद किया है। उसने इन दोनों की मुलाकात करा दी। अमित पेशे से एक कवि है, अच्छी खासी कविताएं लिख लेता है
उसकी पोएम्स भी काफ़ी पढ़ी जाती हैं। दोनों ने एक दूसरे से मिलना जुलना जारी रखा, पर हर वक्त अमित कवियों और उनकी रचनाओं की बातें करता रहता है। लता तो धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश कर रही है, पर उसकी माँ रूपा जी को अमित बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बड़ी चूजी है अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने में। वो अपनी पसंद का लड़का ढूंढना चाहती हैं उसके लिए। इसी क्रम में वो लता को लिए पहुंची कलकत्ता अपने एक दोस्त के यहाँ। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि वो उनकी बेटी के लिए कुछ लड़कों को रेकमेंड करें। उनकी सहेली ने कई लड़कों के फोटोज़ दिखाए भी, पर रूपा जी ने सबको रिजेक्ट कर दिया। वो हर किसी में कुछ ना कुछ कमी ढूंढ ही लेती हैं। कोई बहुत अमीर है, ऐसे में वो लता की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसे भी रिजेक्ट कर दिया। कोई बहुत लंबा है, उसके सामने लता बहुत छोटी दिखेगी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। कोई बहुत डार्क है, वो उन्हें वैसे ही पसंद नहीं आया। रूपा जी खुद भी श्योर नहीं है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए कैसा लड़का चाहिए। इन सब में उनकी सहेली ने मुलाकात कराई हरीश से। हरीश जूते बनाने की कंपनी में काम करता है, वो वहाँ पर मैनेजर है। थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, पर अच्छा है। रूपा जी ने तो उसे पसंद कर लिया है, पर फिर भी उसका ऑफिस देखना चाहती है। लता भी धीरे धीरे हरीश को समझने की कोशिश कर रही है। वो बहुत अडेप्टिव है। पैशनेट वाला लव तो उसने कबीर से ही किया था, पर उसने होनी को मंजूर कर लिया है। अपनी कोई जिद नहीं पाली, जो भी मिलेगा जैसा भी होगा वो उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। इस लिहाज से वो बड़ी प्रैक्टिकल है। हरीश के साथ माँ बेटी उसकी शू कंपनी गए। इस कंपनी का टूर माँ बेटी को बड़ा ख़राब अनुभव करा गया। इस फैक्ट्री की स्मेल ही इतनी ख़राब थी कि दोनों यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाई। इसलिए बीच में ही लता ने हरीश से कहा, माँ को यहाँ की स्मेल अच्छी नहीं लग रही, इसलिए हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। और इस तरह सभी यहाँ से चले गए। अगले दिन लता अपनी माँ के साथ वापस कलकत्ता से ब्रह्मपुर आने को ट्रेन पकड़ने जा रही है। स्टेशन पर हरीश भी पहुँचा। वो लता को पसंद करने लगी है, पर लता और उसकी माँ ने अभी कुछ कहा नहीं। हरीश ने जाते वक्त रूपा जी से पूछा, क्या मैं आपकी बेटी को खत लिख सकता हूँ अगर आपको कोई एतराज ना हो तो? इस पर रूपा जी हंस पड़ी और हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद लता और रूपा जी वापस ब्रह्मपुर आ गए। इधर मान के सईदा बेगम से इश्क की खबरें अब जोर पकड़ने लगी हैं। एक मिनिस्टर का बेटा जब ये सब कर रहा है तो खबर तो उड़नी ही थी। ये बात महेश कपूर के कानों में भी पड़ी। उन्होंने मान को ना सिर्फ डांटा बल्कि घर से निकाल दिया। मान भी तैश में आकर घर छोड़ बैठा और रशीद के साथ उसके गांव चला गया। ये गांव ब्रह्मपुर से थोड़ी दूरी पर बसा है। यहाँ उसकी मुलाकात वारिस से हुई और साथ ही रशीद के पिता से भी हुई। यहाँ वो धीरे धीरे रहना सीख गया है। तभी उसे सईदा बेगम का खत मिला, जिसमें सईदा ने उससे आने की इल्तिजा की है। ये खत पढ़ते ही मान भागा हुआ पहुँचा है सईदा के पास। सईदा के कोठे पर ही उसकी छोटी बहन तस्मीन रहती है। तस्मीन और फिरोज़ के बीच कुछ प्रेम प्रसंग चलना शुरू हो गया है। फिरोज़ अक्सर तस्नीम को खत लिखता रहता है। तस्नीम भी उसे बड़े प्यार से पढ़ती है, पर सईदा को ये सब मंजूर नहीं। वो कई बार तस्नीम को फिरोज से दूर रहने को कह चुकी है, पर अब तक तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। सईदा ने ये बात मान जब वहाँ पहुँचा तब उससे कही। फिरोज तो मान का दोस्त है, इसलिए उसे लगा वो उसे बड़े आसानी से समझा पाएगा, पर दो प्यार करने वालों को रोक पाना कितना मुश्किल हो सकता है ये उसे नहीं पता। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि एक पेड़ के ऊपर किस तरह से रिजॉर्ट भी बन सकता है। हमने इस पूरे रिजॉर्ट के ऊपर ब्लॉगिंग की है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे गुजारिश है कम से कम एक बार जरूर इस चैनल को विजिट करिए, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई सुझाव देना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उस पर भी काम करेंगे। वी होप कि जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार आप चलो उत्तराखंड को भी देंगे। तो चलते हैं कहानी पर। इधर लता अपने लिए सही लाइफ पार्टनर ढूंढने में उलझी हुई है। हुआ कुछ यूँ कि उसने यहाँ एक प्ले ज्वाइन किया। ये प्ले है शेक्सपियर की रचना ट्वेल्थ नाइट। इत्तेफाक से इस प्ले में कबीर भी है। अब दोनों का आमना सामना हुआ है। रिहर्सल के दौरान दोनों मिलते रहते हैं। कबीर ने अपने पीछे हट जाने के लिए माफ़ी मांगी और कहा, तुम जब कहोगे मैं तुम्हारे साथ भागने को तैयार हूँ। लता ने पोलाइटली कहा, आई एम सॉरी, मैं अब ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती, इसलिए इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। ये प्ले जब परफॉर्म किया गया तब सब ने लता की तारीफ की। मीनाक्षी तो चाहती है कि लता की शादी अमित से हो। उसने अमित से कहा, लता पर फोकस करो वरना कोई और ही उसे उड़ा ले जाएगा। इस पर अमित ने अब लता को इम्प्रेस करने और शादी के लिए प्रपोज करने की ठान ली है। वह उससे मिलने लगा है, एक दिन उसे प्रपोज कर भी दिया। लता ने उसे भी बड़े पोलाइटली कहा, मैं अभी इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। उधर महेश कपूर का जमींदारी एबोल्यूशन वाला बिल पास हो गया है और इस तरह जमींदारी सिस्टम अब ख़त्म हो गई है। एक दिन फिरोज मिलने पहुंचा तस्नीम से। सईदा ने उसे तुरंत ही यहां से चले जाने को कहा। फिरोज ने कहा, मैं तस्नीम से प्यार करता हूं, तो आपको क्या परेशानी है? सईदा ने कहा, जानते भी हो तस्नीम कौन है? फिरोज ने उत्सुकता से पूछा, कौन है? सईदा ने कहा, वो रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती है, वो तुम्हारे पिता नवाब साहब की बेटी है।
मैंने ये राज छुपा कर रखा और सबसे ये कहा कि वो मेरी बहन है, पर सच में वो मेरी बेटी है। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है सच बताने के लिए। फिरोज कुछ कह पाता कि तभी यहाँ पर मान आ गया। फिरोज को यूं सईदा के साथ देखकर उसे गुस्सा आया। वो पहले भी फिरोज का यहाँ आने से कई बार रोक चुका है, इस बार उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में उसके हाथ कब चाकू लग गया और कब उसने फिरोज के पेट में घोंप दिया उसे पता भी नहीं चला। चाकू लगने पर फिरोज ने उससे कहा, मान यहाँ से भाग जा। मान ने पहले फिरोज को बचाया था कट्टर हिंदुओं से जो मुस्लिमों को पकड़ पकड़ कर मारते थे। उसी के एवज में फिरोज ने उससे कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। सईदा ने भी उसे यहाँ से भाग जाने को कहा। मजबूरन मान यहाँ से भाग गया और भाग कर रशीद के गांव पहुंचा, पर उससे रहा नहीं गया। उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और फिरोज के कत्ल को कबूल कर लिया। इधर फिरोज को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तब उसकी जान बच गई, पर फिर भी मान के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलेगा और उसे उम्र कैद भी हो सकती है। महेश कपूर भी उससे मिलने पहुंचे, उन्होंने उसे गले से लगाया। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान के मुद्दे के रूप में उछाला जा रहा है। एक हिंदू के बेटे ने मुस्लिम के बेटे को मारने की कोशिश की, ऐसे में वारिस इलेक्शन में खड़ा हुआ महेश कपूर के अगेंस्ट और नारा दिया है, कपूर को ठोक दो वारिस को वोट दो। इस नारे के जरिए वारिस जीत गया और महेश कपूर को हार का मुंह देखना पड़ा। मान के केस की सुनवाई कुछ ही दिनों में होने वाली है। उससे मिलने एक बार लता भी पहुंची। उसने कहा, मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे साथ जो हो रहा है। इसके बाद वो चली गई। इधर हरीश ने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया है, उसकी ऑफिस में कुछ कहासुनी हो गई है और उसने ये जॉब छोड़ दिया है, पर जल्द ही उसे दूसरी शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में फोरमैन की जॉब मिल गई है। खतों के द्वारा वो लता से बातें करता रहता है। लता भी कंफ्यूज है कि वो अपने लिए किसे चुने। हरीश जिस तरह से उसे ट्रीट करता है, उसे अपना प्यार जताता है, वो उसके दिल को छू जाता है, इसलिए उसने हरीश को एक बार मिलने बुलाया। हरीश यहाँ पहुँचा और कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर अगर तुम्हारी ना है तो कोई बात नहीं, कल चला जाऊँगा और कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। आज के दिन ही मान की सुनवाई है कोर्ट में। उसे जज के सामने पेश किया गया। मान ने अपना गुनाह कबूल किया, पर फिरोज ने अपनी गवाही में कहा, मान की कोई गलती नहीं है, मैं सईदा बेगम से मिलने उनके कोठे पर गया तब गलती से फिसल कर चाकू पर गिर गया और इस तरह यह हादसा हुआ, इसमें मान की कोई गलती नहीं। सईदा बेगम ने भी यही बयान दिया और इस तरह मान कोर्ट से बरी हो गया। इधर लता ने हरीश कबीर और अमित में से हरीश को चुना है। सिर्फ वही है जो उसे वो जगह देता है जो वो चाहती है, इसलिए उसे रोकने वो रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन की हर बोगी में उसे ढूंढ रही है। फाइनली हरीश उसे दिखा। लता को देखते ही हरीश ट्रेन से उतर गया। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और शादी की बात भी की। इसके बाद ट्रेन चलने को थी। हरीश ट्रेन में चढ़ा और लता से कहा, मैं जल्द आऊँगा बारात लेकर। खुशी के मारे लता घर पहुंची और रूपा जी से इस रिश्ते के बारे में बताया। रूपा जी बड़ी खुश हैं, आखिरकार उनके पसंद के लड़के से लता की शादी हो रही है। कुछ दिनों के बाद ये शादी हो रही है। शादी में मान भी आया है। अब उसने सईदा बेगम से मिलना जुलना बंद कर दिया है और अपने पिता की बातों को अमल में लाने लगा है। विदाई के वक्त सभी लता को स्टेशन छोड़ने आए। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से उसने सबको बाय किया। उसका छोटा भाई दौड़ते हुए काफ़ी आगे तक आया और लता के इस शादी के साथ ही ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और किसी फिल्म या वेब सीरीज़ की कहानी आप देखना और सुनना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।